गाइस तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी क्या करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने तीन कॉलम्स रख दिए हैं। अभी मैंने कॉलम कम कर दिए हैं और सभी कॉलम्स में सेम सब कुछ लिखा है। देखिए हेडिंग वन सेम पैराग्राफ है, हेडिंग टू सेम पैराग्राफ है, हेडिंग थ्री सेम पैराग्राफ, ठीक है। और तीन कॉलम बना दिए और उसका सीएसएस देखिए यहाँ पर अवेलेबल है। और अभी मैं इसको लिखता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स करिए, सेव किया तो देखिए ऑटोमेटिकली एक दो तीन आपका जो फ्लेक्स डायरेक्शन रो है वो लग जाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब जैसे कि मैंने कहा देखिए जस्टिफाई कंटेंट सेंटर जो है ना, ये सिंपली अगर आपने टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई वगैरह सारी जो चीज़ें अगर की होंगी तो ये आपको ईजी पड़ेगा, देखिए ईजी जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली करना क्या है, जस्टिफाई लिखना है, जस्टिफाई कंटेंट। और यहाँ पर देखिए जैसे कि मैंने कहा जस्टिफाई कंटेंट जो है ये फ्लेक्स की प्रॉपर्टी है और इसमें कई सारी वैल्यूज है, जैसे सेंटर, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, स्पेस इवनली। तो ये सारी चीज़ें एक एक करके अभी देखेंगे। तो पहली चीज़ मैं बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ ये समझने के लिए ना, इसको थोड़ा हम लोग कॉलम को जो है ना इधर थोड़ा सा विड्थ अप्लाई करते हैं, मान लो अराउंड 20% डाल देते हैं। चलो सेव किया मैंने। तो अभी देखिए ये 20% की कॉलम को विड्थ लग चुकी है और अभी मैं लिखने जा रहा हूँ जस्टिफाई कंटेंट इसमें सेंटर। ओके सेव किया मैंने। तो सेंटर सिंपली क्या है, आप ऐसे ऐसे अज्यूम कर सकते हो जैसे टेक्स्ट अलाइन सेंटर होता है, बस वैसा ही कुछ है यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर सकते हैं। अगर आपको टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट के जैसा कुछ चाहिए तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा फ्लेक्स हाइफन स्टार्ट। सेव किया तो देखिए आपको टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट की तरह कुछ दिखाई देगा। और अगर राइट में अगर चाहिए तो सिंपली आपको लिखना पड़ेगा फ्लेक्स हाइफन एंड। तो इतना आपको समझ में आ गया। देखिए फ्लेक्स में सेंटर करने के लिए देखिए जस्टिफाई कंटेंट सेंटर प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, सेंटर वैल्यू यूज़ करेंगे। और राइट के लिए फ्लेक्स एंड और लेफ्ट के लिए क्या करना है, फ्लेक्स स्टार्ट रखना है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब इसमें और कई सारी चीज़ें, जैसे यहाँ पर देखिए मैं स्पेस बिटवीन बताता हूँ, पहले सेव करता हूँ। तो स्पेस बिटवीन करता क्या है, देखिए पहला वाला जो कॉलम है ना वो आपको लेफ्ट में डाल देता है, दूसरा वाला लास्ट में, और बीच वाला कॉलम है ना बीच में रहता है, ठीक है। ये होता है स्पेस बिटवीन इन दोनों कॉलम्स के, मतलब ये जो पहला और तीसरा कॉलम के बीच में जो स्पेस आती है वो कुछ इस तरह देखिए आपको दिखाई देता है, ये होता है आपका स्पेस बिटवीन। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं एक काम करता हूँ, ये पैडिंग सबकी निकाल देते हैं हम लोग, और मार्जिन भी निकाल रहा हूँ मैं, सेव करता हूँ। अभी देखिए ये जो कंटेनर है लाइट ब्लू कलर है आपका, और ये जो कॉलम है ना ये लाइट कोरल है। तो देखिए कॉलम आपका लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है और पहला कॉलम लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट वाला कॉलम जो है लास्ट में जाके बैठ रहा है, ठीक है। तो ये होता है आपका स्पेस बिटवीन। और देखिए बीच में ये दो स्पेस जो है आपको मिल जाती है कुछ इस तरह। अब इसके बाद है ना अराउंड करके भी कुछ है, तो स्पेस अराउंड अगर आप करोगे, सेव किया, तो यहाँ पर होता क्या है, ये हर एक कॉलम के राइट और लेफ्ट में ना ऑटो स्पेस दे देता है। ओके अगर यहाँ पर आपने 20% लिखा तो 20% के कॉलम के हिसाब से वो स्पेस अप्लाई करेगा। मतलब यहाँ पर आपने एक कॉलम डाला है, फिर दूसरा डाला है, फिर तीसरा डाला है, तो हर एक कॉलम के लेफ्ट में और राइट में स्पेस आ जाएंगे, इक्वल स्पेस डिवाइड कर देगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट में डाला, राइट में डाला, और हेडिंग टू के भी देखिए लेफ्ट में है, राइट में है, हेडिंग थ्री के भी लेफ्ट में है, राइट में है। जितनी यहाँ पर स्पेस है उतनी ही यहाँ पर स्पेस आती है। तो ये होता है आपका स्पेस अराउंड, ठीक है। इसके अंदर बाद में इवनली भी है, यहाँ पर देखिए स्पेस इवनली क्या करता है, इवनली मतलब नाम से ही पता चल रहा है, ये इवन स्पेस देता है। देखिए यहाँ पर सेम स्पेस अप्लाई हो रही है, दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कुछ वैल्यूज है आप यूज कर सकते हो जस्टिफाई कंटेंट के साथ। तो ये एक फ्लेक्स प्रॉपर्टी है जस्टिफाई कंटेंट, और इसके साथ ये सारी वैल्यूज आप यूज कर सकते हो। देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ फ्लेक्स हाइफन स्टार्ट क्या करेगा, सिंपली यहाँ से शुरू करेगा। अगर आप फ्लेक्स एंड करते हो तो देखिए राइट में जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको सेंटर करते हो तो सिंपली सेंटर में रहेगा। अगर आप यहाँ पर स्पेस बिटवीन करते हो तो देखिए स्पेस बिटवीन आपको कुछ इस तरह का दिखेगा, आपके कॉलम्स इस तरह डिवाइड होंगे। इसके बाद अराउंड अगर रखते हो, देखिए अराउंड मतलब हर एक कॉलम के राइट लेफ्ट में स्पेस देगा, और इवनली करेंगे तो इवन स्पेस देगा हर एक कॉलम के बीच में। तो आई होप गाइज अभी आपको यहाँ पर समझ में आ चुका है यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी कैसे काम करती है और उसकी कौन सी वैल्यूज है। ओके गाइज तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।